नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो हम बात करेंगे आप किसी भी आईपीओ के लिए या राइट इश्यू के लिए कैसे नेट बैंकिंग के द्वारा अप्लाई कर सकते हैं। तो नेट बैंकिंग से आप कैसे किसी आईपीओ के लिए अप्लाई करेंगे, चाहे किसी भी आईपीओ हो, जैसे अभी माइंड स्पेस रीट आईपीओ आया हुआ, इसके लिए कैसे अप्लाई करेंगे, इससे पहले रोजरी बायोटेक आईपीओ आया था उसके लिए कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि अभी जो हमारा माइंड स्पेस आईपीओ है ये आपको जो ब्रोकर है उसमें नहीं दिखेगा, ये ऑप्शन ही नहीं दिखता है, तो आप उसके लिए अप्लाई वहाँ नहीं कर सकते हैं। जैसे जीरो है उसे अप्लाई का ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, तो आप यहाँ से नेट बैंकिंग से कैसे करेंगे, यहाँ पर आप सारे आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास कोई भी आईपीओ आए, किसी भी आईपीओ के लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानेंगे कि आप नेट बैंकिंग से कैसे कोई भी आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने नेट बैंकिंग में लॉगिन कर लेंगे, जिस भी बैंक का है, हमारा एसबीआई का है तो हमने ऑनलाइन sbi.com पर अप्लाई कर लिया है, जो पर्सनल बैंकिंग है। उसके बाद यहां पर ऑप्शन मिलेगा आपको ई सर्विस, ई सर्विस पर आपको जैसे यहां पर ले जाएंगे अपना माउस या कर्सर कहें, तो यहां पर आपको देखते हैं, जैसे आप अपना कर्सर ई सर्विस पर ले जाएंगे तो यहाँ पर आपको डीमैट सर्विस एंड एएसबीए एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, तो ये ऑप्शन आपको दिखेगा, तो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं तो नीचे आपको या तो वहाँ से क्लिक करेंगे या नीचे आपको ये सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। जब आप इस सर्विस पर क्लिक करते हैं तो नीचे ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जो ऑप्शन यहाँ कर्सर ले जाने से आपको दिख रहा है वही यहाँ पर नीचे भी आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, या तो ऊपर से क्लिक कीजिए या नीचे से। तो यहाँ से आपको फिर जैसे क्लिक करते हैं तो ऑप्शन खुल जाएगा डीमैट से रिलेटेड, डीमैट डिटेल्स CDSL का, NSDL का, फिर यहाँ पर IPO का आ जाएगा, फिर अदर सर्विसेज है। यहाँ IPO में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक जो इक्विटी है मतलब जो पहली बार IPO आया है, और दूसरा जो राइट इश्यू वाला IPO है। तो दो तरह का IPO यहाँ पर मिल जाता है आपको ऑप्शन, और दूसरा यहाँ पर जो है डेट IPO, तो जो डेट फंड होते हैं उसके आईपीओ के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। तो हमें जाना है इक्विटी वाले आईपीओ में। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको बहुत सारे यहाँ पर टर्म कंडीशन होंगे, आपको पढ़ लेना है और इसको पढ़ करके एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे एक्सेप्ट करते हैं तो यहाँ जो भी आईपीओ चल रहा होगा, जो भी राइट इश्यू चल रहा होगा, वो सारा का सारा आ जाएगा। तो यहाँ पर श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ये देख सकते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस ये राइट इश्यू है ये देख सकते हैं, अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद माइंड स्पेस बिजनेस पार्क रीट आईपीओ, तो इसके लिए अप्लाई करना हमको यहाँ पे है, या श्रीराम ट्रांसपोर्ट के लिए अप्लाई कर लें या इसके लिए। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। तो अब यहाँ पर हम गो पे क्लिक करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर टर्म कंडीशन आ जाएंगे, टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर माइंड स्पेस बिजनेस पार्क, पढ़ लेना है पूरी तरह से, पढ़ करके एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अप्लाई फॉर आईपीओ। तो यहाँ पर सबसे पहले कैटेगरी सेलेक्ट करना है, कैटेगरी क्या है आपका, इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल ही सेलेक्ट करना है, तो हम तो इंडिविजुअल ही है तो इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर इन्वेस्टर अप टू इतना देखते हैं, 2 लाख विल बी ट्रीटेड एज रिटेल इन्वेस्टर, 2 लाख करते हैं तो रिटेल इन्वेस्टर में, अगर 2 लाख से ऊपर के लिए अप्लाई करते हैं तो आप आ जाएंगे HINI में। तो यहाँ पर आप जो ट्रांजेक्शन लिमिट है उसके लिए क्लिक करके देख सकते हैं, ट्रांजेक्शन लिमिट यही है, 2 लाख से नीचे के लिए आप अप्लाई करेंगे, और जो भी नीचे है आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं, चलिए इंडिविजुअल कैटेगरी। जैसे हम इंडिविजुअल कैटेगरी सेलेक्ट किए, यहाँ पर सारे ऑप्शन आ जाएंगे आपको, तो देख सकते हैं इसका जो प्राइस है 274-275, दो प्राइस है जिस पर आप बिड लगा सकते हैं, या तो 274 रुपये पे 274 पे लगाइए, या 275 पे। उसके बाद यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर द ट्रांजेक्शन लिमिट ऑफ आईपीओ देख सकते हैं। फिर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको अब सारी चीज़ सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट योर डिपॉजिटरी, NSDL है या CDSL है आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। इफ़ यू नॉट एडेड एप्लीकेंट प्लीज क्लिक हेयर टू एड ए न्यू एप्लीकेंट, अब आपको सारा डिटेल भरना है। यहाँ पर आपको बता दें, अगर आप पहली बार आईपीओ अप्लाई कर रहे हैं नेट बैंकिंग से, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्लिक हेयर टू एड ए न्यू एप्लीकेंट, यहाँ पर आपको जा करके आपको सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा अपना नाम, पेन नंबर, और जो CDSL NSDL जिसमें आपका डीमैट अकाउंट है, वो सारा डिटेल यहाँ पर जा करके सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर सेलेक्ट रजिस्टर्ड एप्लीकेंट, यहाँ पर क्लिक करके आपको रजिस्टर्ड एप्लीकेंट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। हमने सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पर, तो सारा डिटेल हम अपना शो नहीं कर सकते हैं आपको, तो ये मेरा सारा डिटेल यहाँ पर सेलेक्ट पर जाकर के आप जितना चाहें जितने व्यक्ति 2-4 व्यक्ति को ऐड करना मतलब ऐड करके रख सकते हैं, और यहाँ पर रजिस्टर्ड एप्लीकेंट को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे सेलेक्ट कर लेंगे आपका सारा डिटेल अपने आप यहाँ पर फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्वांटिटी देना है,
जो दो ही प्राइस है दो 274 दे दी, और दूसरा जो बिड प्राइस है 275 जो कि कट ऑफ प्राइस भी है वो भी डाल दिए। सारा भरने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट पे क्लिक करना है, तो सबमिट पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हम सबमिट पर क्लिक किए तो यहाँ पर देखिए ये आपको खुल गया, देख सकते हैं यहाँ पर कन्फर्म करना है आपको। तो चलिए हम इस पर कन्फर्म कर लेते हैं, तो कन्फर्म जैसे करेंगे तो हमारा ये अप्लाई हो जाएगा। आईपीओ रिक्वेस्ट विल बी शेड्यूल्ड ऑन 29 जुलाई। तो देखते हैं अभी हम रात में ये वीडियो बना रहे हैं, अभी रात के 9 बज चुके हैं, तो यहाँ पर कह रहा है कि आपका कल के लिए ये आईपीओ सबमिट होगा 29 जुलाई के लिए, आज 28 जुलाई है। तो चलिए हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर जो है हमारा जो मोबाइल नंबर हमने डाला है, तो हाई सिक्योरिटी पासवर्ड यहाँ पर मांग रहा है, मतलब ओटीपी मांग रहा है जो मोबाइल पर भेजा गया है, ताकि ये कन्फर्म हो जाए कि आईपीओ मैंने ही अप्लाई किया है अपने नेट बैंकिंग से। मैंने ओटीपी यहाँ पर डाल दिया, ओटीपी डालने के बाद आपको कन्फर्म पर क्लिक करना है। जैसे कन्फर्म क्लिक करते हैं आपका आईपीओ के लिए अप्लाई हो गया। तो देखते हैं यहाँ आईपीओ के लिए हमारा अप्लाई हो चुका है। आप नीचे आते हैं तो देख सकते हैं पूरा ये डिटेल है, तो रिटर्न टू आईपीओ पेज, अगर आपको आईपीओ पेज पर रिटर्न होना है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, रिटर्न टू आईपीओ पेज हम क्लिक कर देते हैं, तो हम आईपीओ पेज पर रिटर्न हो गए। तो यहाँ से आप फिर चाहें तो जिसको भी अप्लाई करना चाहते हैं, जिस दूसरे आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी तीन तीन आईपीओ ओपन है। आईपीओ हिस्ट्री पर जाकर के आप जो भी आईपीओ अप्लाई किया उसको देख सकते हैं, इस पर क्लिक करके आप इसके स्टेटस को जान सकते हैं कि आपका आईपीओ का स्टेटस क्या है। तो यहाँ पर देखते हैं नीचे हमारा शेड्यूल्ड है, क्योंकि ये कल अप्लाई होगा, आज हमारा ये शेड्यूल्ड कर दिया गया है, 29 अप्रैल को ये आईपीओ के लिए अप्लाई हो जाएगा, मतलब आईपीओ के लिए बिड लग जाएगा। तो ये कंप्लीट प्रोसीडर था कैसे आप आईटीसी के लिए, कैसे आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं नेट बैंकिंग के द्वारा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।